नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टेनो क्लासेस द्वारा आयोजित साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं पीयूष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो टॉपिक है हमारा आज का वो है हमारा डिसीज और इसकी क्योर्स, और हम प्रिवेंशन देखेंगे कि कैसे कौन सी बीमारी का कौन सा कारण होता है और उसके निवारण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिसीज कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले जो हमारी डिसीज है वो है हमारी बैक्टीरिया डिसीज, जिसे जो कि जीवाणु रोग होते हैं। सेकंड जो है हमारा वायरल डिसीज, जो कि विषाणु रोग कहलाते हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ डिसीज, जिसे कि हम प्रोटोजोआ बीमारी रोग के नाम से जानते हैं। फोर्थ जो है वो है वॉर्म डिसीज, दोस्तों मतलब कीट रोग या फिर कीड़ा रोग हो गए। और जो पांचवा हमारा पार्ट है फंगल डिसीज, दोस्तों वो कहलाते हैं हमारे कवक रोग। दोस्तों वैसे तो जो बीमारी है वो कई सारी होती है, अभी इसी वीडियो में आपको प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां बताऊंगा, ऐसे ही विटामिन्स की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग है और मिनरल्स की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग है उसके बारे में भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज की, कि दोस्तों बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी होती है, मतलब जीवाणु रोग कौन कौन से होते हैं। दोस्तों फर्स्ट हम बात करते हैं जीवाणु रोग में, बैक्टीरियल डिसीज में जो फर्स्ट डिसीज होती है वो होती है सिफिलिसिस, जिसे कि हम उपदंश के नाम से जानते हैं। दोस्तों तो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से ये बीमारी जो है, यह जो रोग है वो फैलता है, ट्रांसमिट होता है, मतलब यह रोग यौन संबंध के कारण फैलता है। दोस्तों जितनी भी इसके पैथोजेंस है, जितने भी इसके रोगजनक रोग कारक है, वो सारे आपको याद करने हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो इसमें जो इसका जो पैथोजेंस होता है, दोस्तों पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कारण जो डिसीज, जिनके कारण जो डिसीज है वो ट्रांसमिट होती है। दोस्तों तो सिफिलिसिस जो डिसीज है, इसका जो पैथोजन होता है वो है ट्रिपोनेमा पिलिडम। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ट्रिपोनेमा पिलिडम जो है वो सिफिलिसिस का क्या होता है दोस्तों, पैथोजेंस होता है। इस डिसीज के अंदर क्या होता है कि हमारी जो स्किन है उस पर रैशेज पड़ जाते हैं। दोस्तों हम इसकी कंडीशंस की बात करते हैं कि सबसे पहले जब ये डिसीज होती है तो आपके बॉडी के एक पार्ट के अंदर एक दाग जैसा हो जाता है दोस्तों, फर्स्ट डे 3 से 90 दिनों के अंदर। उसके बाद जैसे ही इसमें 2-4 हफ्ते बीत जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर वो जो डॉट डॉट्स है वो सारे डॉट डॉट पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं दोस्तों, बॉडी पे रैशेस पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस बीमारी को लंबे समय हो जाता है तो ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट, लीवर, किडनी, इस सबको भी इफेक्ट करता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं गोनोरिया की, जिसे कि आप सुजाक के जिसे कि हम सुजाक के नाम से जानते हैं। ये डिसीज क्या है, इट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ये भी दोस्तों क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब यौन संबंधित रोग है। इट मे कॉजेस फीमेल स्टेरिलिटी, इस डिसीज के कारण क्या होता है, जो महिलाएं हैं उन्हें बांझपन का सामना करना पड़ता है, मतलब जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, बच्चे पैदा नहीं कर पाती। और दोस्तों जो इसका पैथोजन है वो है नेफेरिया गोनोरिया, या आपको याद रखना है कि नेफेरिया गोनोरिया इसका पैथोजन है। हम बात करते हैं इसमें होता क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल्स के अंदर की, फीमेल्स के अंदर इस डिसीज के साइंस और सिंबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एब्डोमेन पेन होता है, पेट में पेन होता है। उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो वैगाइना होती है वहां पर ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों अब हम मेल्स की बात करते हैं कि मेल्स में क्या होता है, सबसे पहले जो डिसीज है वो किडनीज जो है हमारी वृक है उससे इन्फेक्ट करती है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने लग जाता है, यूरिनेशन में ब्लीडिंग होती है, मतलब पेशाब में जलन महसूस होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं थर्ड जो डिसीज है हमारी, वो है हमारी एंथ्रेक्स, जिसे कि हम एंथ्रेक्स रोग के नाम से जानते हैं। इट अकर्स थ्रू, दोस्तों ये जो बीमारी होती है वो हमारे जंगली और पालतू जानवरों की कारण होती है, और इसका जो पैथोजन होता है वो होता है बैसिलस एंथ्रासिस। यह रोग जंगली और पालतू जानवरों से होता है। दोस्तों जो जंगली और पालतू जानवर होते हैं उनकी बॉडी में
क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो जो बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, उनके किसी मतलब उन्होंने हम पे प्रहार किया या फिर उन्होंने हमें नोच लिया, तो उसके कारण जो बीमारी होती है दोस्तों, वो हमारी क्या एंथ्रेक्स बीमारी होती है। ये देखो जैसे ये हाथ वाला इन्फेक्टेड एरिया है, देखो ये देखो दोस्तों इन्फेक्ट हो चुका है। ये यहाँ पर जो ये पूरी स्किन जो डिसीज हुई है दोस्तों, ये एंथ्रेक्स डिसीज है। तो इसका जो रोग कारक है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट डिसीज की बात करते हैं कि नेक्स्ट डिसीज जो है हमारी वो कौन सी है। तो नेक्स्ट जो डिसीज है, अगला जो रोग है वो है प्लेग। प्लेग रोग में दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है ये दोस्तों, यह जो रोग है ना वो चूहे के कारण फैलता है। दोस्तों चूहे के कारण कैसे फैलता है मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो हमारा चूहा है वो प्लेग के बैक्टीरिया को क्या करता है, लेके आता है अपने इसकी बॉडी में। प्लेग बैक्टीरिया एंटर करता है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये जो फ्लू है, जो हमारे कोई जो मच्छर है हमारा, वो क्या करता है इस चूहे को काटेगा, और चूहे के काटने के कारण दोस्तों क्या होता है कि उसके पांव में ये बैक्टीरिया एंटर हो जाता है। और जब यही फ्लू, यही जो मच्छर है, जब हमारी हमें काटता है, तो इस मच्छर के कारण क्या हो जाता है, हमें प्लेग बीमारी हो जाती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि यह चूहे से होने वाली बीमारी होती है, क्योंकि चूहे में जो चूहे क्या करता है, इस प्लेग बैक्टीरिया चूहे के अंदर ही प्लेग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और उसके बाद कोई मच्छर इस चूहे को काटता है, और वही मच्छर जब हमें काटता है तो हमें प्लेग नाम की बीमारी हो जाती है दोस्तों। अब हम इसके पैथोजेंस की बात करते हैं कि इसका पैथोजेंस रोग कारक कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो रोग कारक है वो है पैस्टुरेला पेस्टिस। ये आपको याद रखना है कि यहां पर आपको जितने भी डिसीज है उनके पैथोजेंस जो है वो आपको याद करने हैं। तो इसका जो पैथोजन है वो है पैस्टुरेला पेस्टिस। दोस्तों ये जो इन्फेक्टेड एरिया है ये प्लेग के कारण है, और जो ये फिंगर्स में जो इन्फेक्शन हुआ है वो भी हमारा प्लेग के कारण हुआ है। या जो फिंगर्स में जो हमारी उंगलियों में ये जो इन्फेक्टेड पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये जो संक्रमित भाग है ये प्लेग बीमारी कारण होता है। अब हम बात करते हैं टाइफाइड डिसीज की, कि जो टाइफाइड होता है वो किसके कारण होता है, जैसे कि हम मोतीजरा के नाम से जानते हैं। तो इट इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी छोटी आंत में पाया जाता है, मतलब जो ये जीवाणु है वो हमारे मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। अब दोस्तों ये फैलता कैसे है, इट स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। दोस्तों ये कंटेमिनेटेड फूड जो वाटर है, जो कंटेमिनेटेड फूड जो वाटर है, मतलब जो दूषित पानी होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है दोस्तों। और इसका जो पैथोजन है वो आपको कंफर्म बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। तो इसका जो पैथोजन होता है वो जो बैक्टीरिया होता है, वो जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है, साल्मोनेला टाइफी। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है, इसका जो रोगजनक होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। मतलब यह रोग जो फैलता है वो दूषित पानी और खाने से फैलता है। इस रोग में जिस व्यक्ति को ये रोग होता है, जिसको टाइफाइड होता है, उसे बहुत तेज फीवर आता है, मतलब बहुत तेज बुखार आता है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसको, इस टाइफाइड से दूर होने के लिए एक वैक्सीन जो है टीएबी टीका होता है दोस्तों। तो टीएबी जो टीका है वो लगाया जाता है टाइफाइड को हमारे शरीर से दूर करने के लिए, टाइफाइड से ठीक होने के लिए टीएबी का टीका लगाया जाता है। पूछा जाता है कि टीएबी एक वैक्सीन है जो कि टाइफाइड के प्रिवेंशन से, टाइफाइड से बचने के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा निमोनिया। निमोनिया में देखते हैं कि दोस्तों निमोनिया में क्या होता है कि लंग्स इन्फ्लेमेशन, मतलब हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है, वहां पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसमें फेफड़ों में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाती है। और इसके हम पैथोजन की बात करते हैं तो इसका जो पैथोजन है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दोस्तों ये आपको पैथोजन है वो आपको मैंने जैसे पहले बताया याद रखना है। तो रोग कारक इसका क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया दोस्तों ज्यादातर बच्चों के अंदर होता है, यहाँ पर इसमें लंग्स में बैक्टीरिया अटैक करते हैं और क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टिटनेस की, कि टिटनेस जो है वो बैक्टीरियल डिसीज कैसे होती है। तो टिटनेस की मैं बात करता हूँ, टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है, इट इज फाउंड इन सॉइल डस्ट एंड वाटर, ये मिट्टी में, धूल में और पानी के अंदर पाया जाता है। दोस्तों ये जो जीवाणु है वो मिट्टी, धूल और पानी में पाया जाता है।
इट एंटर द बॉडी थ्रू इंजर्ड सरफेस, की जहां पर हमारे लग जाती है, मतलब हमारी कोई लोहे की कील की लग गई या फिर हमारे कुछ चुभ गया, तो वहां पर क्या होता है, घाव हो जाता है। दोस्तों घाव के अंदर क्या होता है कि घाव में पानी भी लगता है, मिट्टी भी इसमें जाके जम जाती है। तो दोस्तों ये जो बैक्टीरिया है, ये जो हमारा जीवाणु है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी धूलो पानी में पाया जाता है, तो जैसे जहां हमारे लगती है ना, वहां के थ्रू क्या होता है, ये चोट वाले हिस्से से क्या होता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों इसमें जो इसका जो पैथोजन है वो है क्लॉस्ट्रिडियम टैटनाई, और जो इसका रोग, अगर मैं इसके रोग कारक की बात करूं तो क्लॉस्ट्रिडियम टैटनाई इसका रोग कारक है। और दोस्तों इस टिटनेस से बचने के लिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे को लोही की किसी चीज की या फिर किसी चीज की हमें लगती है, तो सब लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप टिटनेस का टीका लगाओ। दोस्तों जो टिटनेस का टीका होता है वो एटीएस वैक्सीन होती है दोस्तों, एटीएस का टीका होता है, मतलब एंटी टिटनस सेरम, एक सेरम होती है, एक वैक्सीन होती है, एक टीका होता है जो कि टिटनेस के ऊपर अपोजिट, मतलब एंटी उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, जो टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई, इसे हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन करने से रोकता है। दोस्तों हम बात करते हैं लेप्रोसी की, कि लेप्रोसी में क्या होता है, तो इट इज नोन एज हैंसेन डिसीज। दोस्तों लेप्रोसी जो डिसीज है, मतलब जो कि कुष्ठ रोग है, दोस्तों इसके नाम से आपको पता लग गया होगा, कुष्ठ रोग हमने नाम सुना है कि ये हमारे क्या करता है, स्किन का इंफेक्शन होता है, पूरी जो स्किन है दोस्तों वो हमारी पूरी खराब हो जाती है, पूरी इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसको हैंसेन डिसीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस डिसीज के बारे में जो बताया था, सबसे पहले हैंसेन नाम के वैज्ञानिक है, हैंसेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था दोस्तों। तो इसे हैंसेन रोग भी कहते हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम हैंसेन रोग भी पड़ा, लेप्रोसी डिसीज का। तो इसका ये एक स्किन इन्फेक्शन होती है, ये त्वचा रोग है, ये पूरे त्वचा को बुरे रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसका जो पैथोजन होता है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। दोस्तों इसका जो रोग कारक है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। सारे जो रोग कारक है वो आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज की, जो है हमारी क्या है, डायरिया, जिसे कि हम अतिसारीय रोग कहते हैं। तो ये भी क्या होता है, इंटेस्टिनल इंफेक्शन कहलाता है, मतलब ये जो इन्फेक्शन है, ये जो संक्रमण है, वो हमारे आंतों में होता है। दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारा पचता नहीं है, तो जिसे कि हम दस्त के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड, मतलब ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, मतलब दूषित पानी और दूषित खाने से फैलता है। दोस्तों ये जैसे मैंने आपको बताया, यह एक आंतीय रोग है, मतलब हमारी आंतों में जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पर क्या हो जाता है, ये बैक्टीरिया जो है एस्केरिया कॉली, ये जो बैक्टीरिया है हमारा, ये हमारे लंग्स में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। इसी वजह से हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हमारा खाना जो है वो सही से पचता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो टिटनेस का जो इंजेक्शन है, जो एटीएस का जो इंजेक्शन है, वो आपके जब आपके घाव या कुछ लगे तो उसके 48 घंटों के अंदर ही, 48 आवर्स में ही आपको वो इंजेक्शन, जो वैक्सीन है, वो लगानी नहीं चाहिए। दोस्तों ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात आगे, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज की, जो है हमारी कॉलेरा रोग, जिसे कि हम हैजा रोग के नाम से जानते हैं। दोस्तों कॉलेरा डिसीज की बात करते हैं, तो इसका जो पैथोजन होता है वो होता है वाइब्रियो कॉमा, ये इसका रोग कारक आपको याद रखना दोस्तों। जो ये हैजा जो रोग है दोस्तों, वो जो फैलता है वो कंटेमिनेटेड, ये भी दूषित पानी और खाने से फैलता है। कि जैसे मान लो ये एक पर्सन है जो इस वाटर को ड्रिंक कर रहा है, पानी पी रहा है, तो इस वाटर के अंदर क्या है, एक बैक्टीरिया है वाइब्रियो कॉलेरा, और इस बैक्टीरिया के कारण क्या है कि जो ये पानी है वो कंटेमिनेट हो चुका है, दूषित हो चुका है। तो इसको पीने के कारण क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है वो इसके माउथ में एंटर कर जाते हैं, अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं हूफिंग कफ की, इट इज ऑल्सो नोन एज पर्टुसिस। दोस्तों हूफिंग कफ मतलब काली खांसी, जिसे कि काली खांसी, इसमें हम इसको पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं, इसे पर्टुसिस भी कहते हैं। तो इसका जो पैथोजन होता है, इसका जो रोग कारक होता है, वो होता है बैसिलस पर्टुसिस, ये आपको याद रखना है। हूफिंग कफ में दोस्तों होता क्या है कि आपको बहुत ज्यादा खांस
आपको बहुत ज्यादा खांसी होती है, और खांसी इतनी ज्यादा होती है कि आपको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत आती है और काफी तेज खांसी होती है। ये खांसी जल्दी से कंट्रोल में नहीं आती, इसे कूकर खांसी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिप्थीरिया की। तो डिप्थीरिया इसमें जो पैथोजन होता है वो होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इट ग्रोज इन द मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जो हमारा श्वसन, जो हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है यहां से लेकर यहां तक का, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में की जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन है इसोफेगस वाली, इस मेम्ब्रेन में ये जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है एंड लीड्स टू डेथ ड्यू टू चॉकिंग। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है दोस्तों ये जाम हो जाता है। इसके जाम होने के कारण क्या होता है, कभी कभार आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये जो जीवाणु है ये श्वसन तंत्र की झिल्ली में विकास करता है। श्वसन तंत्र की जो झिल्ली है ये पूरा श्वसन तंत्र है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है यहां पर ये डेवलप होता है, और इसके 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 डेवलप होने के कारण जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमारा श्वसन तंत्र है वो जाम हो जाता है, और इसके गले के जाम होने की वजह से क्या होता है, हमारी मौत भी हो सकती है। जो मैंने आपको रोग कारण बताया, इसका रोग कारण क्या होता है, तो इसका जो रोग कारण होता है वो होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसकी प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है वो होती है डीपीटी, मतलब क्या बोलते हैं, डिप्टेरिया पोलियो और टिटनेस, सॉरी डिप्टीरिया की जो फुल फॉर्म है वो है डीपीटी की जो फुल फॉर्म है वो है डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनेस। ये आपको याद रखना है दोस्तों, डीपीटी एक वैक्सीन, एक टीका है जो कि डिप्टेरिया की प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, मतलब क्षय रोग की, जिसे हम टीबी के रोग के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इट इज इन्फेक्शन इन लंग्स, यहाँ पर फेफड़ों, ये जो रोग है वो फेफड़ों में होता है, हमारे जो फेफड़े हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों। इसका प्रोटेक्शन ये है कि इसमें बीसीजी वैक्सीन यूज की जाती है, मतलब बैसिलस कालमेटी गुएरिन। ये जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से क्षय रोग से प्रिवेंट हो सकते हैं, हम बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा वायरल डिसीज की, विषाणुओं से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों फर्स्ट जो हमारी बीमारी है वो है मीजल्स, मतलब खसरा रोग। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपके शरीर में क्या पड़ने लग जाते हैं, आपके गले पे और मुंह पे रैशेस पड़ने, मतलब दाने होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं, जो ये दाने हैं वो हमारे पूरे शरीर को कवर कर लेते हैं, पूरे शरीर के भागों को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों पैथोजेंस की मैं बात करूं तो इट इज रूबेला वायरस। दोस्तों इसका जो पैथोजन होता है वो कौन सा वायरस होता है, सारे वायरस जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे वायरस आपको याद रखने हैं। तो इसका जो रोग कारक होता है वो होता है रूबेला वायरस, और इट इज अ बकल एंड रेस्पिरेटरी पासेज इन्फ्लेमेशन की। होता क्या है कि जो हमारा बकल है, मतलब जो हमारा मुख है और जो हमारा रेस्पिरेटरी पासेज है, मतलब जो हमारा श्वसन पथ है, इसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है दोस्तों, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं मम्स की। मम्स मतलब गलसुआ दोस्तों, गलसुआ में क्या होता है, ये हमारे क्या करता है, जो हमारा जॉ जबड़ा जो होता है ना, इसका जो एक भाग है वो फूल जाता है, और हमारी जो हमारा जबड़ा है वो इधर से इधर बुल नहीं पाता, मतलब जो इसमें क्या होता है, दर्द काफी होता है। तो ड्यू टू दिस जॉ बिकम्स हार्ड टू मूव, इस बीमारी के कारण, इस जो वायरस के कारण क्या होता है कि जो हमारा जॉ है, हमारा जबड़ा है, उसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है, और सूजने के कारण जो हमारा जबड़ा है वो इधर से उधर नहीं हिल पाता है, नहीं मूव कर पाता है। और जो इसका पैथोजन है, जो इसका वायरस है वो कौन सा है, पैरामैक्सो वायरस। ये आपको याद रखना है कि इसका जो रोग कारक है वो है पैरामैक्सो वायरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स जिसे कि हम चेचक रोग के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये काफी सुना नाम है। तो हम सबसे पहले इसके पैथोजेंस की बात करते हैं। तो इसका जो पैथोजेंस होता है वो होता है वर्सीसेला जॉस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इट इज जनरली इन चिल्ड्रन, ये जो बीमारी होती है दोस्तों वो क्या होती है, छोटे बच्चों में ज्यादा होती है। इसे क्या कहते हैं, छोटी माता भी कहते हैं। याद रखना है आपको कि छोटी माता किसे कहते हैं, चिकन पॉक्स को कहते हैं, और जो स्मॉल पॉक्स होता है उसे बड़ी माता कहते हैं। ये रोग ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, ज्यादातर बच्चों में रोग पाया जाता है, और इसका रोग कारक होता है वो होता है वेरिसेला जॉस्टर।
अब हम बात करते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स रैशेज की। दोस्तों चिकन पॉक्स में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे लाल कलर के दाने उभर के आ जाते हैं, छोटे छोटे रैशेज रहते हैं रेड कलर के। लेकिन यही अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करूं तो स्मॉल पॉक्स मतलब क्या, स्मॉल पॉक्स मतलब बड़ी माता। इसमें क्या होता है आपके आपके चेहरे के ऊपर पूरे शरीर के ऊपर क्या होता है बड़े बड़े लाल कलर के दाने हो जाते हैं। दोस्तों मैं बात करूं एक इम्पॉर्टेंट चीज की, जो सबसे पहले जो वैक्सीन सबसे पहला जो टीका आविष्कार किया था, डिस्कवर किया था, वो एडवर्ड जेनर ने किया था। और इन एडवर्ड जेनर ने ही सब एडवर्ड जेनर ने जो टीका खोजा था, आविष्कार किया था, या फिर जिस वैक्सीन का को डिस्कवर किया था, वो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए ही थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि फर्स्ट जो वैक्सीन डिस्कवर की गई थी वो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोलियो की। तो दोस्तों पोलियो जो है कॉमन डिसीज है, तो इसका जो पैथोजन होता है वो एंटेरो वायरस होता है, इसका जो रोग कारक है वो एंटेरो वायरस होता है। दोस्तों ये जो पोलियो में हमारा क्या होता है, पोलियो जो है ये जो वायरस है ये हमारे किसको इफेक्ट करता है, पांव को इफेक्ट करता है, मतलब ये हमारे बॉडी के नीचे वाले भागों को इफेक्ट करता है। तो दोस्तों होता क्या है कि मेनली अटैक्स CNS, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेनली अटैक करता है, मतलब यह हमारे मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब आई वायरस, तो इसका जो पैथोजन होता है, इसका जो वायरस होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस आई वायरस होता है। तो इसका जो इफेक्ट कहां पे करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इंफेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हमारे नोज से एंटर हुआ, हमारे नाक से एंटर हुआ, और क्या होता है ये जो हमारा लंग्स वाला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला पार्ट है यहां पर ये अटैक करता है। तो ये हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस है दोस्तों, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिया हुआ है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से जो इन्फ्लुएंजा वायरस से जो संक्रमित भाग है वो श्वसन पथ होता है, और इसका जो रोग कारक है मतलब उसका पैथोजन होता है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस ही होता है। नेक्स्ट जो हमारी डिसीज है, नेक्स्ट जो डिसीज है हमारी रेबीज डिसीज, जो कि कुत्तों जनरली क्या होता है कुत्तों के काटने से फैलती है। तो इसका जो पैथोजन होता है रेबीज वायरस है। दोस्तों ये जो रेबीज वायरस है कुत्तों के मुंह में लार में पाया जाता है, इनके पंजों में पाया जाता है। तो दोस्तों जब कुत्ते हमारे पे अटैक करते हैं, मतलब कुत्ते ने हमको काट लिया, तो हमें ये जो रेबीज जो डिसीज है हो जाती है, इसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। मतलब जब हमें ये रेबीज बीमारी हो जाती है तो हमें क्या होता है, पानी से डर लगता है। इट डैमेज नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेन, और ये हमारे ब्रेन का हम क्या होते हैं लगभग पागलों जैसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है उसको ये डैमेज कर देता है। और जो रेबीज जो डिसीज है, इसकी जो वैक्सीन डिस्कवर की गई थी वो लुईस पाश्चर के द्वारा डिस्कवर की गई थी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो रेबीज जो रोग है ये हमारे मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पानी से डर लगता है। ये आपको याद रखना है कि कौन सी डिसीज को आप हाइड्रोफोबिया बोलते हो, या फिर कौन से रोग में व्यक्ति को रोगी को पानी से डर लगता है। और मैं इसके टीके की बात करता हूं, इसके वैक्सीन की बात करता हूं, तो इसके टीके का आविष्कार लुईस पाश्चर द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड की, मतलब आम सर्दी की। दोस्तों जो हमें साधारण सर्दी हो जाती है, हमारे नाक से पानी निकलने लग जाता है, तो ये आम सर्दी कहलाती है। इसका जो पैथोजन होता है, यहाँ जो वायरस होता है वो राइनो वायरस, कि हमारी बॉडी में राइनो वायरस है वो एंटर हो जाता है। और इस राइनो वायरस के एंटर होने के कारण क्या होता है, जो हमारा नाकों में से क्या होता है सीक्रेशन, एक लिक्विड जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। तो आम सर्दी में क्या होता है, ये एक अनुनासिक श्रावण के कारण फैलती है, इसका जो रोग कारक है वो राइनो वायरस होता है। अब हम बात करते हैं हेपाटाइटिस की। दोस्तों हेपाटाइटिस में क्या होता है, आपके इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, आपका जो लीवर है उसमें हेपाटाइटिस वायरस एंटर करता है, और इस वायरस के कारण क्या होता है, आपके फेफड़ों में सूजन हो जाती है। और जो हेपाटाइटिस के फैलने का कारण क्या है, कि यह दूषित पानी से फैलता है। ये आपको याद रखना है, इट इज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, यह भी दूषित पानी से फैलता है। और हेपाटाइटिस जो डिसीज है, हेपाटाइटिस जो रोग है वो दो तरह का होता है, एक है हेपाटाइटिस ए जिसे कि आप वायरल हेपाटाइटिस बोलते हो, दूसरा जो है वो है हेपाटाइटिस बी जिसे कि हम सेरम हेपाटाइटिस
कहते हैं। तो इस डिसीज में क्या होता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, और यह है दो प्रकार का होता है। पहला है हेपेटाइटिस ए, जिसे कि वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। और हेपेटाइटिस बी को आप क्या बोलते हो, सीरम हेपेटाइटिस कहते हो। नेक्स्ट जो डिसीज है, अगला जो रोग है वो है डेंगू बुखार। इसका जो वायरस होता है वो डेंगू वायरस ही होता है। अभी आपको याद रखना है कि कौन ये जो डेंगू जो बुखार है, डेंगू जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से फैलती है, और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि ये जो बीमारी है वो कौन से मच्छर के द्वारा फैलती है। तो इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एडीज एजैप्टी। ये आपको याद रखना है कि फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो के कारण, उस मच्छर के कारण ये बीमारी फैलती है। तो यह मादा एडीज मच्छर, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है, वो एडीज मच्छर होता है, और वो क्या होती है, मादा होती है। जब ये हमें काटती है तो इसके थ्रू हमें क्या हो जाता है, डेंगू बुखार हो जाता है। इस डेंगू डिसीज में आपको बहुत ज्यादा फीवर आता है, और डेंगू डिसीज में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है वो कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं येलो फीवर की, जिसे कि हम पीलिया के रोग के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका जो पैथोजन होता है वो आर्बो वायरस होता है, मतलब इसका जो रोग कारक है वो आर्बो वायरस होता है। ये जो इस डिसीज में भी होता है कि आपको क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड का अमाउंट, खून की जो कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके आंखों में जो ये सफेद भाग है ये पीला पड़ जाता है, और आपके जो नाखून है वो भी पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन डिसीज की, कि प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले जो डिसीज है वो है हमारी मलेरिया। मलेरिया जो डिसीज है वो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है, उसके कारण फैलती है दोस्तों। तो यहां पर इसका जो ये वैसे तो जनरली क्या होता है, ये मच्छर के कारण फैलती है, लेकिन होता क्या है कि यहां पर ये एनाफेलिस मॉस्क्यूटो, एक फीमेल मॉस्क्यूटो होती है एनाफेलिस मॉस्क्यूटो, ये जो मॉस्क्यूटो जो हमें काटती है, जो मच्छर हमें काटता है, तो इसके कारण क्या होता है, हम लोगों को मलेरिया बीमारी हो जाती है। इसका जो रोग कारक होता है, इसका जो पैथोजन होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, ये एक पैरासाइट होता है जो कि हमारी बॉडी पे अटैक करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं काला अजर, ये जो फैलता है वो सैंड फ्लाई की वजह से फैलता है। इट इज स्प्रेड थ्रू सैंड फ्लाई दोस्तों, जैसे इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई ने हमें आके काटा। तो यहां पर क्या होता है कि हमारे जो लीवर और जो स्प्लीन है, जो हमारे फेफड़े है, उनमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, मतलब वो उनमें सूजन आ जाती है। तो जब ये कालाजर में बीमारी होती है तो हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज दम दम फीवर, इसे दम दम बुखार भी कहते हैं। और जो सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई मतलब मरुमक्षिका, तो जब मरुमक्षिका हमें काटती है तो इसके कारण हमें कालाजर नाम की बीमारी, मतलब कालाजर नाम का रोग हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके पैथोजन की, कि इसके रोग कारण के कौन से रोग कारक के कारण हमें ये रोग हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो पैथोजन होता है वो होता है लीशमैनियासिस डोनोवेनी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गियार्डिसिस रोग की, कि गियार्डिसिस डिसीज में होता क्या है, तो इट अफेक्ट्स अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी छोटी जो आंत है उसके ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। यहीं पर जो ये पैथोजन, यहीं पर जो ये प्रोटोजोआ है वो पाया जाता है, और जो इसका पैथोजन होता है वो होता है गार्डिया इंटेस्टिनलिस, इसका जो रोग कारक है वो है गार्डिया इंटेस्टिनलिस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो हमारी डिसीज है वो है ट्रिपैनोसोमियासिस, इट इज ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। और जिस प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है उसका नाम है साई फ्लाई, इसे अफ्रीकन सोनी की बीमारी भी कहा जाता है। ये जो साई फ्लाईज है ये क्या करती है, डिसीज को कैरी करती है, और ह्यूमंस में ये डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट जो डिसीज है हमारी वो है हमारी अमियोबियासिस नेक्स्ट डिसीज है। ये जो इसमें क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, और ये भी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से फैलती है, कि जो ये प्रोटोजोआ है वो वाटर में पाया जाता है, और जब हमें पानी को पीते हैं, इस गंदे पानी को, इस दूषित पानी को जब हम पीते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारे शरीर में जो ये पैथोजन है, ये जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसका नाम क्या है, एंटामियोबिया हिस्टोलाइटिका। दोस्तों ये जो पैथोजन है इसके कारण क्या होता है, हमें हमारे पेट में दर्द होता है इस रोग में।
अब हम बात करते हैं कीड़ों के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है, कीट रोग कौन कौन से होते हैं, मतलब वॉर्म डिसीज कौन कौन से और किस किस तरह की होती है। अब हम फर्स्ट जो डिसीज है इसमें इसका नाम है एस्कारियासिस। एस्कारियासिस में जो हमारा पैथोजन होता है वो होता है एस्कारियासिस लुम्ब्रिकॉइडिस, इसका पैथोजन होता है। तो इसमें जो वॉर्म्स देखो ये जो ये है फीमेल वॉर्म और ये है मेल वॉर्म, तो इन दोनों ये मेल और फीमेल वॉर्म क्या होता है हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण हमें ये बीमारियां होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, जो भी वॉर्म डिसीज होती है, जो भी कीड़ों के कारण जो हमें बीमारियां होती है उसकी साइकिल स्टार्ट कहां से होती है, पूरी बीमारियां फैलती कहां से। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि हमारे पांव में किसी कीड़े ने काट लिया, तो यहाँ पे कीड़े पे काटने के कारण हो गया हमारे पांव में घाव हो गया, तो हमारे पांव हमारे खून के अंदर हमारे यहाँ घाव करने पर जो कीड़ा है वो क्या करेगा, जैसे ही किसी पानी में जाएगा तो वहां पर अपना लार्वा जो है वो सीक्रीट कर देगा, और इस लार्वे के कारण क्या होंगे बहुत सारे कीड़े मकोड़े कीड़े जो है वो पैदा हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है एक फीमेल होती है और एक मेल होता है, तो इन दोनों के जब जायगोट फॉर्मेशन होता है तो उस वाटर के अंदर ही क्या होता है थर्ड स्टेज आती है इस लार्वा की, जहां पर क्या होती है ये जो वॉर्म्स है वो दोबारा अपने मल्टीपल्स बना लेते हैं। तो इस लार्वा के कारण जब मल्टीपल्स बनता है तो कुछ समय बाद जब इसी गंदे पानी को हम लोग पी लेते हैं, इसी गंदे पानी को हम लोगों ने पी लिया, और गंदे पानी के पीने के कारण क्या होता है कि जो ये वॉर्म्स है जो ये कीड़े हैं वो हमारे पेट में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में बड़ी आंत में चले जाते हैं, यही जो साइकिल है वो लगातार चलता रहता है। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइलेरिया मतलब फिलेरियासिस, इसको हम क्या बोलते हैं एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ये जो बीमारी होती है दोस्तों इसमें क्या होता है आपके जो पांव का जो हिस्सा है नीचे वाला जो पांव है ये दोनों पांव आपके क्या हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं, इनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, और जो ये फाइलेरिया जो डिसीज है वो ट्रांसमिट होती है फैलती है किसकी वजह से क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये भी क्या होती है फीमेल होती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जितनी भी मॉस्किटो जितने भी मच्छर के द्वारा हमें बीमारियां होती है वो सारी की सारे जो मच्छर है वो फीमेल्स होती है, मतलब वो मादा होती है। ये इस रोग को हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रोग है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है, कि जब मादा क्यूलेक्स मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो उसके कारण उसे फाइलेरिया नाम की बीमारी फाइलेरिया नाम का रोग हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो टिटिनिया सोलियम है, जिसे कि हम टाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो इट इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है कॉज बाय जो किसके कारण होता है बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड और अंडर कुक्ड पॉर्क और बीफ। तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जो किसकी वजह से फैलता है कंटेमिनेटेड मतलब दूषित और अंडर कुक्ड मतलब आधा पका हुआ जो पॉर्क यानी सुअर का जो मांस है और जो जिसे कि हम बीफ भी कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति इसे खाता है तो इसमें क्या होता है एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन पाया जाता है इस बीफ के अंदर, उसके कारण हमें ये टीनिया सोलियम नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसका जो रोग जनक है वो टीनिया सोलियम होता है, यह दूषित और अधपके सुअर के मांस खाने से फैलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवक रोग की, फंगल डिसीज की, फंगाई के कारण कौन कौन सी डिसीज होती है किसी पर्सन को। तो सबसे पहले है रिंग वॉर्म मतलब दाद जो है दाद रोग। तो दोस्तों दाद जो रोग जैसे हमारे शरीर में कई हिस्सों में दाग हो जाते हैं ये सब रिंग वॉर्म ही होती है। ये सही क्या होता है फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इट इज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल्स, कि जिस व्यक्ति को जो संक्रमित व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति को पहले से दाद है तो उसको छूने से हमें भी ये बीमारी हो जाती है। तो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल से ये जो डिसीज है वो फैलती है। इसका जो पैथोजन है इसका जो रोग जनक है वो होता है माइक्रोस्पर्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एथलीट्स फूट की। अब नेक्स्ट डिसीज की बात करते हैं, नेक्स्ट जो डिसीज है हमारी वो है एथलीट्स फूट। ये जो बीमारी ये पाओ में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसी को हम एथलीट फूट के नाम से जानते हैं। इट इज स्प्रेड थ्रू, ये जो बीमारी फैलती है वो कंटेमिनेटेड वाटर मतलब दूषित पानी से फैलती है। एंड दिस डिजीज इज मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर एरियाज, कि जहां पर ज्यादा खेती की जाती है जहां कृषि प्रधान क्षेत्र होते हैं वहां पर ये जो फंगल इन्फेक्शन है वहां के लोगों के फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोजन की, इसके रोग कारण की। तो इसका जो पैथोजन होता है वो होता है टाइनिया पैडिस, मतलब रोग कारक की बात करते हैं तो ये है टाइनिया पैडिस। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।
इस वीडियो को पसंद करने पर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का जो दूसरा भाग है, जिसमें हम विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों की और मिनरल से होने वाली बीमारियों की और बाकी जो प्रोटीन की कमी से जो डिसीज होती है उसकी हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो यहीं पर ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ हमारे संस्थान 700 स्टेनो क्लासेस द्वारा स्टेनोग्राफी को आसान तरीके से और कम समय में एनिमेटेड रूप से स्मार्ट क्लास के द्वारा आपको स्टेनो सिखाई जाती है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एडमिशन ओपन है और स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के। तो जो लोग इच्छुक है वो हमारे संस्थान से संपर्क करें और हमसे आके जुड़े। धन्यवाद।